तो फ्रेंड बहुत ही जल्दी नया साल आने वाला है और नए साल की पार्टी में अगर आप ये नाश्ता बनाएंगे तो मेहमान आपकी तारीफ करते करते थकेंगे नहीं, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं साबुदाने का इतना झटपट नाश्ता जिसके लिए आपको साबुदाने को भिगोने की भी झंझट नहीं है। तो बिना साबुदाने को भिगोए आप कैसे बना सकते हैं एक ऐसा स्नैक्स जिससे आप पूरे महीने तक स्टोर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में कुछ टिप और ट्रिक दूंगी, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। तो इसके लिए मैंने लिए है 150 ग्राम साबुदाने जो हमारे कच्चे वाले साबुदाने हैं, यानी हमने इसको भिगोया नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्सी का जार लेंगे। तो फ्रेंड छोटा सा मिक्सी का जार लेना है। अब इसके अंदर हम अपना साबुदाने को डाल देंगे और अब इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो चलिए पाउडर बनाकर फिर आपको दिखाते हैं। बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, बिल्कुल भी दर्दरा नहीं होना चाहिए। एक से दो बार नहीं, कम से कम पांच बार आपको मिक्सी को रोक रोक के चलाना है। अगर आपका फिर भी मोटा बनता है तो आप लोग इसे छान लीजिएगा। तो चलिए पाउडर बना के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने पाउडर बना लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाया है। अगर आपका मोटा हो तो आप लोग छान लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने पीस लिया है इसे। अब इसे हम साइड में रख देंगे और आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड अब हम एक मसाला बनाएंगे जिसके लिए हमने ये ले लिया है। अब इसके अंदर हमें डालना है दो ग्रीन चिली। अगर आपकी ज्यादा तीखी वाली है तो आप एक ही डालिएगा, मेरी नॉर्मल है तो मैं दो डाल रही हूँ। और इस तरह से तोड़कर डालेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज, वो है अदरक। इसको मिक्स नहीं करना है और डेढ़ इंच की अदरक को हम इस तरह से डाल देंगे इसके अंदर। और फिर हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन की कलियां, तीन लहसुन की कलियां डालेंगे। और अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जाएगी, तो फ्रेंड वो है हमारा फ्रेश हरा धनिया। देखिए कितना फ्रेश है। और इस हरा धनिया को हमें इसके अंदर डाल देना है और अब हम इसको कूटेंगे। इसको हमें चटनी नहीं बनाना है, इसको हमको इस तरह से हल्का सा क्रश करना है। तो एक से दो मिनट लगेंगे और फटाफट हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट निखर कर आता है और ये ग्रीन मसाला जब इस नाश्ते में जाएगा तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना दरदरा है हमारा ताकि आपको अंदाजा हो जाए। तो इस तरह से हमारा ये देखिए दरदरा हो चुका है रेडी। हमने इसको पीसा नहीं, बस इसको हमने इस तरह से हल्का हल्का सा कूट दिया है। तो चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं। तो इसे हम साइड में रख देंगे, अब एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे। तो अब हम लेंगे 250 ग्राम कच्चा आलू जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और छील लिया है, फिर इसके बाद दो पानी वॉश कर लिया है। और अब इस आलू को हम ग्रेट करेंगे। ग्रेट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड आलू को ग्रेट करने के लिए आपको मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है जिसके इस तरह से बड़े बड़े होल होते हैं, आपको पतले वाले ग्रेटर से नहीं करना है। और अब हम इस आलू को ग्रेट करेंगे ताकि हमें लच्छे लंबे लंबे प्राप्त हों। तो चलिए हम आपको ग्रेट करके दिखाते हैं कितने लंबे लंबे हमारे लच्छे होने चाहिए। ये देख लीजिए इस तरह से हमारे लच्छे होने चाहिए बिल्कुल लंबे लंबे से। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने दोनों आलू को ग्रेट कर लिया है। देखिए हमारे लच्छे कितने बड़े बड़े और खिले खिले से हैं। तो पतले लच्छे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके जो नाश्ते का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, बिना टाइम बर्बाद किए इसे हमें ठंडे पानी में डालना है। अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप इसे नॉर्मल वाटर में डाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसे हम डाल देते हैं, वही नहीं तो आलू काला हो जाता है बहुत ही जल्दी। तो फ्रेंड इस तरह से हम अपने आलुओं को डाल देंगे पानी के अंदर। और इसके डालने के बाद एक काम करना है, हमें इसको हमें अच्छे से वॉश करना है। जैसे हम चावल को वॉश करते हैं उसी तरह हम इसको भी वॉश करेंगे, क्योंकि जैसे चावल में माड़ होती है वैसे ही अपना आलू में भी स्टार्च होता है। तो इस स्टार्च को अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपका नाश्ता क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इस तरह से देखिए आलू को लेकर अच्छे से दो हथेलियों के बीच में मसलना है और ये काम आपको एक से दो बार करना है। और चलिए फटाफट मैं इसके पानी को रिमूव करके इसे दो बार वॉश करके आपको लेके आती हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड तीन पानी वॉश करने के बाद देखेंगे आपके लच्छे का जो कलर है बिल्कुल अच्छे से व्हाइट हो जाएगा। और जितना अच्छा आपका लच्छा व्हाइट होगा उतना ही समझ जाइए इसका स्टार्च निकल चुका है। तो पानी जब तक साफ ना हो आप इसको वॉश करते रहिए। अगर आप ठंडे पानी से वॉश करेंगे तो तीन पानी में ही हो जाएगा, अगर आपका नॉर्मल वाटर है तो आपको चार से पांच बार इसे वॉश करना है। तो देखिए मैंने वॉश कर लिया है, कितना खिला खिला सा निकल गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ, फटाफट नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं क्योंकि सारी प्रक्रिया हो चुकी है, सारे प्रोसेस हमने कर लिए हैं, अब बनाना ही बनाना बाकी है। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक हैवी वेट हमने फैन रखा है, आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कीजिए थोड़ा सा वजनदार होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच ऑयल और आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा हम इसमें डालेंगे हींग। तो आधा चम्मच तक हमें हींग डालनी है, चुटकी भर हींग से काम नहीं चलेगा, हींग का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। और एक चम्मच हम इसमें डालेंगे मोटी वाली सौंफ, दोनों को अच्छे से तड़कने देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हल्दी चौथाई चम्मच, चौथाई चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च क्योंकि हमने हरी भी में बना के रखी है यानी पीस के रखी, तो उसमें ज़रा नहीं डालना है। अब इसके बाद इसमें जाएगा एक चम्मच भरकर चाट मसाला, चाट मसाला आपको एक चम्मच भरकर डालना है बड़ा वाला, चौथाई चम्मच जीरे का पाउडर और इन सबको अच्छे से तड़कने देंगे। और अब हमारा जो ये आलू था हम इसके अंदर ऐड कर देंगे
और इसकी हम भुनाई करेंगे बिना नमक डाले, क्योंकि नमक डालने से ये पानी छोड़ देगी आलू। तो अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और इसकी भुनाई हमें इतनी अच्छे से करनी है कि आलू हमारा आधा पक जाए, पूरा नहीं पकाना है, बस आधा पकाना है। तो इस तरह से हमने 1 से 2 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज, वो है कटी हुई प्याज। और इसको हमने मोटा मोटा चॉप किया है और प्याज डालकर हम इसे 1 से 2 मिनट और भूनेंगे प्याज के साथ, क्योंकि हमें प्याज को गलाना नहीं है इसके अंदर, क्योंकि प्याज अगर गल जाएगी तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसमें इस तरह से डाल रहे हैं प्याज। तो फ्रेंड इस तरह से भुनाई करने के बाद जो हमने मसाला बना के रखा था अपना ग्रीन वाला, वो इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। और इस मसाले को भी हम इसके साथ भून लेंगे। और इस मसाले को डालने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और 1 से 2 मिनट इसकी हम भुनाई करेंगे इस तरह से, ताकि हमारा मसाला भी अच्छे से पक जाए ग्रीन वाला। तो फ्रेंड अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, इस स्टेज पे डालना है ताकि आलू अपनी पानी को अच्छे से, जब आलू का सारा पानी मर जाएगा तब हम नमक डालेंगे लास्ट में, और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे डालेंगे 1/4 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। और अब हम धीमी धीमी आंच पर इसे थोड़ा सा बॉईल आने तक पकाएंगे। तो फ्रेंड जब इसमें बॉईल आने लगेगा तब इसमें हम डालेंगे लास्ट में गरम मसाला, और गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा जो हमने साबुदाने का पाउडर बना के रखा था वो ऐड करने का टाइम आ गया है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे और इसको इसके अंदर मिलाते जाएंगे, एक साथ नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा ना सूखा रखना ना बहुत ज़्यादा गीला। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करना है अच्छे से, ताकि हमारा इसके अंदर ऑब्जर्व होता जाए। तो फिर लास्ट वाला भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अगर आपने पानी अच्छे से डाला होगा तो आपका कम नहीं पड़ेगा। तो आपको 1/4 कप पानी डालना है इसके अंदर, यानी जो चाय वाला कप होता है उसको हमें 1/3 हिस्से में डालना है। और इस तरह से देखिए हमारा ये हो गया है रेडी। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया कटा हुआ। तो फ्रेंड लास्ट में हम इसमें डालेंगे खूब ढेर सारा हरा धनिया। अगर आप इतना हरा धनिया नहीं खाते तो आप कम कर सकते हैं, अगर आप हरा धनिया नहीं डाल खाते हैं तो आप इसमें करी लीव्स भी डाल सकते हैं। और हरा धनिया डालने के बाद आपको गैस के फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि जितनी आँच होगी उसी में हमारा हरा धनिया इसके अंदर अच्छे से पक जाएगा। हरा धनिया को कभी भी पहले मत डालिए, नहीं तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो देखिए हमारी इसमें बाइंडिंग होना शुरू हो चुकी है और ये बहुत ज्यादा जल रहा है, तो हम इसे पहले ठंडा करेंगे फिर उसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना, इतना ठंडा करना कि हम इसे छू पाए। तो फ्रेंड ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो इसे बहुत ज्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं। अब हम अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे इस तरह से 1 से 2 बूंद, आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और अब हम इसका अमाउंट लेंगे और हल्का सा गर्म गर्म होगा तभी हम इसको अच्छे से शेप दे देंगे, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो बिखरने लगेगा क्योंकि ये साबुदाना है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से करेंगे। और अब हम इसे चिकना करेंगे और इस तरह से हम इसको फ्लैट कर देंगे और इस तरह से हमें इसको चपटा कर देना है। तो बैकग्राउंड में बोल रहा है सब्जी वाला, आप लोग माइंड मत कीजिएगा क्योंकि सब्जी बेचने का टाइम हो गया है उसका, वो अपना काम कर रहा है। तो ये देखिए हो चुका है रेडी। अब इसी तरह हम अपना दूसरा भी बना लेंगे। तो फ्रेंड आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। आप इसे इस तरह से सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं या 4 एंगल में भी बना सकते हैं। मैं इसे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल शेप दे रही हूँ जो आसानी से आप बना सकते हैं, और न्यू ईयर में आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, 10 से 15 दिन आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा साइड साइड से कर देना है और कितना अच्छा लग रहा है, और आप इसे स्टोर कर लीजिए। तो इस तरह से हम सारे बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बना लिया, आप इसे फ्रिज में लगा सकते हैं, जब आपका मन हो तब आप इसे रीफ्राई कर लीजिए या फ्राई कर लीजिए, डीप फ्राई कर लीजिए, सलो फ्राई कर लीजिए। और जब आपके मेहमान आए तो आप इसे रीफ्राई भी कर सकते हैं, यानी फ्राई करके रख दीजिए, जब मेहमान आए तो फिर से फ्राई कर दीजिए और क्रिस्पी हो जाएगा। तो चलते हैं गैस की तरफ, अब इसे बनाना शुरू करते हैं किस फ्लेम पर बनाएंगे कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी और कुरकुरा और क्रिस्पी बने। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ और एक पैन रख दिया है, आप इसे कढ़ाई में बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे तेल, जो हम डालेंगे 150 ग्राम रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो इसे सरसों के तेल में बना सकते हैं, घी में बना सकते हैं। अब हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो तेल को बिल्कुल धुआंदार गर्म करना है। एक बार जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इस तरह से अपनी कटलेट को या टिक्की को आप जो भी बोलिए डाल देंगे बिल्कुल आराम से।
और गैस का फ्लेम लो रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे कटलेट को डाल दिया है। अब हम इसे 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। इसे बनने में मैक्सिमम 4 मिनट लगते हैं क्योंकि हमने इसे पका लिया है। आलू भी हमारी कुक हो चुकी है 50% और 50% हम इसे पकाएंगे। तो लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची बने। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम टर्न कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। और इस तरह से हम सारी इसकी साइडों को बदल कर इसे 2 मिनट और पकाएंगे। तो मैक्सिमम इसे पकने में 4 मिनट लगते हैं और आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और आप इसमें कुछ और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे प्याज ऐड किया क्योंकि हर घर में प्याज अवेलेबल होती है, तो इसीलिए मैंने इसमें प्याज अवेलेबल सॉरी डाला है। अगर आप इसमें चाहें तो पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या अपने मन मुताबिक कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। अब 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे, गैस का फ्लेम लो ही होना चाहिए। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, ये रेडी हो चुके हैं। कितना अच्छा इस वक्त कलर आ चुका है, ये देख सकते हैं। दूसरे साइड से भी ये कुरकुरे हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे अपने प्लेट में और सर्व करेंगे आपके लिए। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा कच्चे आलू और साबूदाने का बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ता, जिसे हमने साबूदाने को बिना भिगाए बनाया है। तो नाश्ता पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। और ये नाश्ता आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। और इसे आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं, 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और न्यू ईयर की पार्टी में तो आप इसे जरूर बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची लगता है। तो देख लीजिए कितना कुरकुरा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि कितना कुरकुरा है। ये देखिए कुरकुरा है और अंदर से सॉफ्ट है। तो इस तरह से देखिए अंदर से सॉफ्ट है, तो इसे बच्चे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बुजुर्ग तक खा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और इस रेसिपी को जरूर इंजॉय करना। बाय, टेक केयर।